जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि अगर आई डॉट जे जीरो है तो जे डॉट आई भी जीरो है। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ओपन अलाउड है, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, डॉट जरूर लगा देना। सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है, याद नहीं करनी, ए वेक्टर बी वेक्टर में अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल उनके बीच में क्या होगा, जीरो। तो इसको ओपन करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो क्या आएगा, ए बी कॉस जीरो, इसको भी याद नहीं करना क्योंकि कॉस जीरो पुट कर लिया करेंगे पेपर में। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पक्का क्वेश्चन आएंगे कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओपन करेंगे ए बी कॉस 90, आंसर इज जीरो, ये याद रहेगी प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ 90 डिग्री को चेक करती है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ए वेक्टर बी वेक्टर और वो पूछेगा कि बताओ ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, आप फटाफट क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है जीरो, इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो याद रखना कभी भी अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर है यहां तक, ठीक।